हेलो एवरीवन वेलकम टू इंजीनियर से एजुकेशन पॉइंट इस वीडियो में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे ये एग्जाम 19 सितंबर 2023 को कंडक्ट करवाया गया है स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार के द्वारा ये डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का चलिए क्वेश्चन की ओर आते हैं पहला क्वेश्चन है एज कंपेयर टू पावर मॉस्फेट ए बीजेटी है अगर पावर मोस्फेर से कंपैरिजन करें तो बीजेटी में क्या होता है तो बीजेटी का क्या होता है हायर स्विचिंग लॉसेस बट लोअर कंडक्शन लॉस हाई स्विचिंग लॉस जो है हायर होता है और कंडक्शन लॉस जो है वो लोअर होता है कम होता है तो वन का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर टू है एन आई जी बी टी थ्री टर्मिनल कॉल्ड आईजीबीटी इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर तो इसमें क्या होता है कितना तीन टर्मिनल होता है कौन कौन सा टर्मिनल होता है तो इमीटर होता है गेट होता है और कलेक्टर होता है तो कलेक्टर इमीटर एंड गेट इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर जिसमें तीन टर्मिनल होता है कलेक्टर इमीटर एंड गेट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी हो जाएगा टू का क्वेश्चन नंबर थ्री है एट हाई फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन ऑफ मॉसफेट हैज़ लेसर टर्न ऑफ टाइम विथ रिस्पेक्ट टू बीजेटी बिकाउज कह रहा है हाई फ्रिक्वेंसी ऑपरेशन के लिए जो मॉसफेट है उसका जो है लेजर लेसर टर्न ऑफ टाइम होता है बीजे टी के, के कंपेरिजन में ठीक है ना क्यों होता है ये आपसे पूछा पुछ गया, गया है तो मॉसफेट का क्या होता है हाइयर इनपुट इम्पीडेंस होता है ठीक है ना बीजे टी के, के कंपेरिजन में हायर इनपुट इम्पिडेंस होता है थ्री का ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर है ए सिंगल फेज वन पल्स डायोड रेक्टिफायर इज फीडिंग ऑन आर एल लोड विथ फ्री व्हीलिंग डायोड अक्रॉस द लोड फॉर कंडक्टिंग एंगल बीटा द मेन डायोड एंड फ्री व्हीलिंग डायोड वुड रिस्पेक्टिवली कंडक्ट फोर तो मेन डायोड और फ्री व्हीलिंग डायोड जो कंडक्ट करेगा वो पाई और बीटा माइनस पाई पे कंडक्ट करेगा ऑप्शन बी हो जाएगा फोर का बी क्वेश्चन नंबर फाइव पूछा है एक कैपेसिटर फिल्टर एट द आउटपुट ऑफ ए रेक्टिफायर रिजल्ट इन रिपल विच डिक्रीजेज विथ आर रेसिस्टेंस के साथ क्या होगा डिक्रीज करेगा ऑप्शन क्या हो जाएगा फाइव का बी हो जाएगा यही मान लीजिए कैपेसिटर की जगह पे इंडक्टिव फिल्टर रहता इंडक्टिव या इंडक्टर फिल्टर रहता तो इंडक्टर फिल्टर रहता तो आंसर क्या हो जाता इंक्रीजेड विथ लोड रेसिस्टेंस इंडक्टर फिल्टर हो जाएगा तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही यहाँ क्वेश्चन में कैपेसिटर फिल्टर दिया हुआ है तो ऑप्शन बी हो जाएगा डिक्रीजेज विथ आर चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स की ओर चलते हैं क्या कह रहा है द डिसएडवांटेज ऑफ हाफ वेव डायोड रेक्टिफायर सर्किट इज दैट क्या डिसएडवांटेज है हाफ वेव डायोड रेक्टिफायर का क्या डिसएडवांटेज है ये पूछा है डिसएडवांटेज है है ना तो इसका जो आउटपुट वोल्टेज होता है उसको फिल्टर करना डिफिकल्ट होता है आउटपुट वोल्टेज इज डिफिकल्ट टू फिल्टर ऑप्शन सी हो जाएगा सिक्स का क्वेश्चन नंबर सेवन है व्हेन ए थायरिस्टर गेट्स टर्न ऑन द गेट ड्राइव जब थायरिस्टर जो है टर्न ऑन हो जाता है तो गेट ड्राइव को जो है क्या किया जाता है शुड बी रिमूव टू एव्ड इनक्रीज लॉसेस एन हाइयर जंक्शन टेम्परेचर तो उसको रिमूव कर लिया जाता है ऑन होने के बाद गेट ड्राइव को रिमूव कर लिया जाता है ठीक है ना जिससे लॉस जो है ज्यादा होने से बचाता है और हाइयर जंक्शन टेम्परेचर से भी बचाता है सेवन का डी हो जाएगा सेवन का डी क्वेश्चन नंबर एट की ओर चलते हैं क्या कर रहा है इन एस सी आर एनोड करेंट फ्लोज ओवर ए नैरो रीजियन नियर द गेट ड्यूरिंग कह रहा है नियर द गेट ड्यूरिंग कब जब टी आर एंड टी डी एंड टी आर के बीच में एट का क्या हो जाएगा डी हो जाएगा डीले टाइम और राइट राजस्ट के बीच में क्वेश्चन नंबर नाइन है गेट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए थायरिस्टर। गेट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है थायरिस्टर का वो क्या होता है तो वो भी जी गेट करेंट वोल्टेज और गेट करेंट के बीच का कर्व होता है ठीक है ना गेट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है गेट वोल्टेज और गेट करेंट के बीच का कर्व होता है ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा नाइन का नाइन का सी क्वेश्चन नंबर टेन है द फंक्शन ऑफ स्नोबर सर्किट कनेक्टेड अक्रॉस एन एस सी आर इज टू इस सर्किट को कनेक्ट किया जाता है एस में उसका क्या फंक्शन है तो वो सप्रेस करता है डी वी वाई डी टी को सप्रेस करता है ठीक है ना या लिमिट डी वी वाई डी टी रहेगा तब पर भी आप मार सकते हैं या सप्रेस ऑप्शन टेन का ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर इलेवन है फोर ए ट्रायक एन एस सी आर ट्रायक एन एस सी आर के लिए कह रहा है ठीक है ना ट्रायक और एस सी आर के लिए कह रहा है तो ट्रायक का क्या होता है लेस टाइम फॉर टर्न ऑफ देन एस सी आर अगर हम लोग टर्न ऑफ टाइम का कम बात करें तो ट्रायक में टर्न ऑफ टाइम जो है कम होता है ठीक है ना एस सी आर में ज्यादा होता है और ट्रायक क्या है बाई डायरेक्शनल डिवाइस है बाई डायरेक्शनल है ठीक है ना तो और एस सी आर क्या है यूनी डायरेक्शनल डिवाइस होता है यूनी डायरेक्शनल ठीक है तो ऑप्शन सी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्या कह रहा है इन ए सिंगल फेज सेमी कन्वर्टर फोर कंटिन्यूस कंडीशन इच एस सी आर कंडक्ट फोर पाई रेडियंस तक कंडक्ट करता है ऑप्शन बी हो जाएगा ट्वेल्व का बी पाई रेडियंस हो जाता है क्वेश्चन नंबर थर्टीन है ए फ्री व्हीलिंग डायोड अक्रॉस इंडक्टिव लोड विल प्रोवाइड फ्री व्हीलिंग डायोड जो है इंडक्टिव लोड के अक्रॉस जो है क्या प्रोवाइड करता है तो इंप्रूव्ड पावर फैक्टर प्रोवाइड करता है इम्प्रूव्ड पावर फैक्टर प्रोवाइड करता है डी हो जाएगा थर्टीन का क्वेश्चन नंबर फोरटीन है इन ए थ्री फेज हाफ वेव डायोड रेक्टिफायर इफ भी एम पी इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पर फेज वोल्टेज देन ईच डायोड सब्जेक्टेड टू पिक इनवर्स वोल्टेज पीक इन्वर्स वोल्टेज क्या हो जाएगा रूट थ्री वी एम पी हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा फोर्टीन का रूट थ्री वी एम पी फिफ्टीन है इन डीसी चौपर वेवफॉर्म फॉर इनपुट एंड आउटपुट आर डी सी चौपर में जो वेब फॉर्म होता है इनपुट और आउटपुट वोल्टेज का वो कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस होता है ऑप्शन डी हो जाएगा कंटिन्यूस कॉमा और डिसकंटिन्यूस फिफ्टीन का डी हो जाएगा सिक्सटीन है ए एज द सोर्स वोल्टेज आर एज द लोड रेसिस्टेंस एंड अल्फा एज द ड्यूटी साइकिल फॉर दिसर आर एम एस वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज आर एम एस वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा रूट अल्फा इन टू बी एस हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा ठीक है ना यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन है ए चॉपर इन विच करेंट रिमेन्स पॉजिटिव बट वोल्टेज में भी पॉजिटिव और निगेटिव इज नॉन एज कर ऐसा चॉपर जिसमें करेंट क्या होगा पॉजिटिव होगा और वोल्टेज जो है मे भी पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर निगेटिव भी हो सकता है इस तरह का फिल्ट चॉपर को हम लोग टाइप डी चॉपर बोलते हैं टाइप डी चॉपर ऑप्शन डी हो जाएगा सेवनटीन का एटीन है ए सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर कैन ऑपरेट इन लोड कम्युटेशन मोड केस लोड कंसिस्ट ऑफ किस तरह का लोड होगा तो आरएलसी अंडर डैम्प्ड लोड होगा तो वहां पे यूज करेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा एटीन का आर एल सी अंदर लो डैम 19 है सिंपलेस्ट मेथड ऑफ इलिमिनेटिंग थर्ड हार्मोनिक फ्रॉम द आउटपुट वोल्टेज वेब फॉर्म ऑफ ए सिंगल फेज ब्रिज इन्वर्टर इज टू यूज किसका यूज किया जाता है तो सिंगल पल्स मॉडुलेशन का यूज किया जाता है सिंगल पल्स मॉडुलेशन का ऑप्शन बी हो जाएगा नाइनटीन का सिंगल पल्स मॉडुलेशन ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन है इन सीरीज सीरीज रिजोनेंट रिजोनेंट में क्या होता है आउटपुट वोल्टेज डिपेंड्स अपॉन डैम्पिंग फैक्टर ऑफ़ द लोड जो आउटपुट वोल्टेज होता है ऑप्शन ट्वेंटी का डी हो जाएगा ग्रुप बी का देखिए क्वेश्चन नंबर टू पूछा है जो कि चार नंबर का क्वेश्चन है इनट द टाइप ऑफ पावर ट्रांजिस्टर एलोंग विद सर्किट सिंबॉल पावर ट्रांजिस्टर का जो है टाइप्स को बताना है सिंबल के साथ और में पूछा एक्सप्लेन द ट्रांसफर ऑफ दोसफेड मोसफेड का ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक्स जो है उसको एक्सप्लेन करना है मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर ट्रांजिस्टर का क्वेश्चन नंबर थ्री में पूछा है डिस्कस द ऑपरेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थायरिस्टर थायरिस्टर का ऑपरेशन कैसे काम करता है और क्या क्या विशेषता है उसका वो चीज बताना है इसी का और में पूछा है द एवरेज करेंट रेटिंग ऑफ एन एस सी आर डिग्रीजेज एज इट्स कंडक्शन एंगल इज रिड्यूस्ड एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर फोर में पूछा है डिस्क्राइब गेट ट्रिगरिंग ऑफ ए डज़ द गेट करेंट हैज एनी इफ़ेक्ट ऑन द फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज इसी का और में पूछा है कंपेयर द कंट्रास्ट एंड आईजीबीटी जी विथ ए पावर ट्रांजिस्टर क्वेश्चन नंबर फाइव में पूछा है डिफाइंड कंडक्शन एंगल गिव एट फाइव अप्लीकेशन ऑफ फेज कंट्रोल रेक्टीफायर कंडक्शन एंगल को एक्सप्लेन करना है डिफाइन करना है और पांच एप्लीकेशन जो है फेज कंट्रोल रेक्टिफायर का पांच एप्लीकेशन लिखना है पांच यूज लिखना है और मैं पूछा है फॉर ए सिंगल फेज वन पल्स कंट्रोल कन्वर्टर सिस्टम ड्रॉ वेब फॉर्म फॉर लोड वोल्टेज एंड लोड करेंट फॉर आर लोड आर लोड विथ फ्रीविलिंग डायोड एक्रॉस आर इसी के और में पूछा है सॉरी क्वेश्चन नंबर सिक्स हो जाएगा ये एक्सप्लेन द ऑपरेशन ऑफ स्टेप अप चॉपर डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ ए सिंगल फेज सीरीज इन्वर्टर विथ अप्रोप्रिएट सर्किट एंड वेब क्वेश्चन नंबर ग्रुप सी में क्वेश्चन नंबर सेवन है जो कि छः नंबर का है देख सकते हैं आप एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शनल डिटेल एंड वर्किंग ऑफ लो पावर मॉसपेट एंड पावर मॉसपेट एंड ब्रिंग आउट द डिफरेंस बिटवीन द टू इसी का और है डिफाइन आई जी बी टी

एक्सप्लेन हाउ दर गेस्ट ट्रिगर्ड विध ए हाई डी वी वाई डी टी क्वेश्चन नंबर नाइन में पूछा है सिग्निफिकेंस ऑफ डी आई वाई डी टी एंड डी वी वाई डी टी इन एस सी आर डिस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक्स क्रोबार प्रोटेक्शन स्कीम इसका और में पूछा है डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ ए सिंगल फेज फुल कन्वर्टर इन द इनवर्टर मोड विथ आर एल ई लोड ड्रॉ इट्स वे फॉर फॉर सोर्स वोल्टेज लोड वोल्टेज एंड करेंट अक्रॉस वन एस आर क्वेश्चन नंबर टेन में पूछा है हाउ पावर कंट्रोल और मोनिटरिंग मोटरिंग कंट्रोल कैन बी डन बाई चॉपर ड्राइव्स चॉपर ड्राइव से कैसे जो है पावर कंट्रोल या फिर मोटरिंग कंट्रोल जो है किया जाता है डिफाइन लाइन कम्यूटेटेड इन्वर्टर हाउ डू डू दे ऑपरेट एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन लाइन कम्यू कम्यूटेटेड एंड फोर्स कम्यूटेटेड इन्वर्टर क्वेश्चन नंबर है। चॉपर। ड्रॉ दर्किट डाइग्राम ऑफ ए सीरीज इन्वर्टर एंड इंडिकेट द नीड फॉर ऑप्टिमम टाइम मार्जिन ऑल्सो मेन्शन द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ दिस इन्वर्टर तो ये आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन पेपर है जो एग्जाम 19 सितंबर 2023 को कंडक्ट करवाया गया है एस बिहार के द्वारा यह डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का देख सकते हैं आप क्वेश्चन को तो इस वीडियो में इतना ही थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो थैंक यू सो मच